Please click on the subscribe button and press the bell icon for more videos. Are sir, 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 sir. Yasir bhai. आज मैं जिनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ हमने इंग्लैंड में बहुत अच्छा टाइम गुजारा। कहने को तो हमारे दोस्त हैं लेकिन ये उस वक्त भी अंकल हुआ करते थे जब हम जवान होते थे। तो चलें उनसे चल के मिलते हैं। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे, अब मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे। अभी उनसे यही कुछ डिसाइड हुआ है कि वो इधर ही कहीं मिलेंगे। सर मैं यार कितने चेंज हो गए हैं यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और मैं मिल चुका हूँ यासिर भाई से, जिनका मैंने अभी आपको आते हुए इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैं इतना नहीं पता क्या इंट्रोडक्शन। नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, वो तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये पहुँच चुके हैं, तो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था तो मैं आप दोबारा आपको वही बताऊंगा कि जब हम बच्चे हुआ करते थे ये उस वक्त भी अंकल हुआ करते थे और आज आप देख लें माशाल्लाह ये कितने वेल मेंटेन्ड है कि पहले भी अंकल थे आज भी अंकल। सर बचपन से ही बचपन के। यासिर भाई कल आप आए हैं यहाँ पर, तो क्या बताएंगे आप इस बारे में, कुछ थोड़ा सा हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि आप बता रहे थे बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा आपका। यार ये एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट नज़र आई ना, जब मैंने कहा कि यार ये नई चीज़ है, असल में मेट्रो तो मैंने मेलबर्न में भी देखी और इंग्लैंड में भी देखी, 15 साल से देख रहे हैं। मेट्रो मैंने ये पहली दफ़ा देखी कि ट्रेन को भी बंद किया हुआ आपने शीशे के अंदर, मतलब अब ट्रेन के दरवाजे खुल रहे हैं साथ आपके जो है टनल है उसके दरवाजे भी खुल रहे हैं। गाइस मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि यासिर भाई और हमारा साथ जो है वो माशाल्लाह काफ़ी पुराना है और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई माशाल्लाह कितने कितने साल हो गए भाई, 15 साल 18 साल हो गए। 15 साल थोड़ा 3 से लगा ना। सबसे बड़े पहले तो एक मैं मज़े की बात बताऊं कि अभी मैंने अपनी और यासिर भाई की एक दो पिक्चर्स हमने शेयर की ग्रुप में और इतने सारे कमीने हैं कि किसी ने पलट के सिर्फ एक एक अंगूठा बना दिया कि बस हाँ जी बहुत अच्छे लग रहे हो और किसी को कोई तौफीक नहीं भी बात करने की। देखिए यासिर भाई की यही वाली बात है कि यासिर भाई माशाल्लाह, हालांकि बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल वेल मेंटेन्ड आदमी है, लेकिन वो पता नहीं कितने क्यों इज्जत देखे ज़रा, आप ये इतना शर्मा रहे हैं इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं रुक के दिखाना चाहूँगा आपको, अब तो दिखा दिया। क्या कहना जी, आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, और आप ये कि आप यहाँ से जो है जो टाइम है वो वंडरफुल शुरू हो जाए। क्या बात है। और ये है कि जितने देखने वाले हैं स्पेशली असद, आफाक, अदनान, शिराज और कौन है यार जो मिसिंग है हमारे, कितने और लोग हैं मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के नाम ले लिए। घर पे नहीं दिखाना बाकी जगह। क्योंकि ये टोपी करा कर आया मैं, अब खैर वो एक अलग बात है, मैं ऐसी चीज़ को मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ये टोपी करा कर आया मैं वो एक अलग बात है कि अगर इनके घर वालों ने ये ब्लॉग देख लिया तो ये पकड़े जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है सर। सबके बारे में एक एक कोई जुमला बताएं। मैं आपको बताता हूँ असद के बारे में, क्यूट क्यूट। अच्छा, और अफाक 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 चीता चीता। ओ अदनान अदनान जो है चालाक। अफान 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 के बारे में सर जल्दी बोले, तो देर बड़ी लगाते हैं आप यार। फिल्म। अच्छा बड़ी फिल्म। और शिराज। शिराज तो भाई आपका जो है ना, हाँ वो तो अब मैं बोलूंगा तो बाद में बोलेगा। वो नहीं होते निहारी के बैठे होते थोड़ी देख लेंगे समझा ना। शिराज भाई वो PhD इन टेलीकॉम एंड देन विद द निहारी यू नो चमचा हाउ राहील जो है वो एंजॉयिंग ही है। क्या डिफरेंस है पाकिस्तान का और ये राहील बताए। सर बस यहाँ पे ये है कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर गाय भैंसे देखने को नहीं मिल रही इस तरह, और यहाँ पे अच्छी अच्छी लड़कियाँ और खूबसूरत सी लड़कियाँ जिस तरह आप भी हमेशा कहते हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे कुर्बानियाँ मतलब। जी सर। ओके गाइस एंड आवर फ्रूटफुल विद लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड ब्यूटीफुल फ्रूट्स मीटिंग इज गोइंग टू एंड। यार बस करें यार, अरे नहीं हो गया क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं। अरे यार क्या हो गया, कोई बात नहीं यार, चलें बस हमारे जाने का टाइम आ गया भाई, अब हम जा रहे हैं।
और अच्छा टाइम समझने वाले समझ गए। हाँ, दो या तीन घंटे हम लोग साथ रहे। मेरा यासिर भाई के साथ कोई इतना लंबा टाइम नहीं स्पेंड किया मैंने, थोड़ी देर के लिए साथ रहे लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और अब पता नहीं अब यासिर भाई से कब मुलाकात होगी, अब ये दुबई कब आते हैं या मेरा पाकिस्तान जाना कब होता है, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की हम लोगों ने। और यासिर भाई आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट में आपके पास आऊँगा। अब ये देख लें जो समझने वाले हैं वो समझ आएंगे किन की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी फजूल बातें ज़रूर पसंद आई होंगी, और अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और के साथ किसी और ब्लॉग में।